नमस्कार, स्वागत है आपका आपके आध्यात्मिक चैनल भरत संजीवनी में। सातों चक्रों को जागृत करने की अलग अलग विधियां हैं। पिछले वीडियो में हमने यह बताया था, संजीवनी शक्ति से, रेकी हीलिंग से चक्रों को कैसे जागृत करें, और आज हम सात चक्रों को उनके बीज मंत्रों के द्वारा कैसे जागृत करना है यह बताएंगे। शरीर के सातों चक्रों को ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। जब इनमें प्राण ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो यह दूषित हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं और शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमारियां होने लगती हैं। आज हम हर एक चक्र पर ध्यान साधना करने वाले हैं। हम जिन जिन चक्रों पर बीज मंत्रों का जाप करेंगे वह जागृत होने लगेंगे और उनमें ऊर्जा का प्रवाह ऊपर उठने लगेगा। जैसे जैसे प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी, शरीर की बीमारियां, मन की बीमारियां दूर होने लगेगी। जब प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर के चक्रों की तरफ उठने लग जाती है तो मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक अनुभूतियां भी शुरू होने लग जाती है। अब हम सातों चक्रों पर बीज मंत्रों का जाप और ध्यान की विधि शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी सुविधा के अनुसार आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए और रीढ़ को सीधा रखिए। आप चाहे तो सोफे पर, कुर्सी पर या जमीन पर भी बैठ सकते हैं। नीचे आसन अवश्य बिछाइए। जो लोग ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं या कुछ दिक्कतें हैं तो वह अपने पीठ के पीछे कुशन भी रख सकते हैं। अब अपनी दोनों आँखों को बंद कर श्वास को धीमा और गहरा लीजिए। फिर अपना ध्यान शरीर के पहले चक्र की तरफ ले जाइए। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे गुदा द्वार पर होता है। इस चक्र का बीज मंत्र है लम और रंग है लाल। यह चार पंखुड़ियों से मिलकर बना है। अब हम इस चक्र के बीज मंत्र का जाप करते हैं। लम 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 अपना ध्यान शरीर के दूसरे चक्र की तरफ ले जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र, स्कैरल
चक्र जो 6 पंखुड़ियों से मिलकर बना है। इस चक्र का रंग है नारंगी। इस चक्र का बीज मंत्र है वम। अब हम इस चक्र पर ध्यान लगाकर इसके बीज मंत्र का जाप करते हैं। वम 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 अब अपना ध्यान तीसरे चक्र की तरफ ले जाइए। मणिपुर चक्र, सोलर चक्र जो 10 पंखुड़ियों से मिलकर बना है। इस चक्र का रंग है पीला और बीज मंत्र है रम। यह चक्र नाभि के मूल में स्थित होता है। इसके जागृत होते ही भय और घृणा दूर हो जाते हैं। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। रम 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 रम
अब अपना ध्यान शरीर के चौथे चक्र की तरफ ले जाइए, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो आपके हार्ट के पास में स्थित होता है। यह चक्र 12 पंखुड़ियों से मिलकर बना है। इस चक्र का रंग है हरा और बीज मंत्र है यम। यम 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 अब अपना ध्यान शरीर के पांचवें चक्र की तरफ ले जाइए, विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र, जो गले के बीचों बीच स्थित है। इस चक्र का रंग है आसमानी। यह चक्र 16 पंखुड़ियों से मिलकर बना है। इसका बीज मंत्र है हम। हम 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 हम
हम हम हम हम हम अब अपना ध्यान छठे चक्र की तरफ ले जाइए। आज्ञा चक्र, अजना चक्र, इसे इंग्लिश में थर्ड आई चक्र कहते हैं। यह चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, जहां तिलक लगाया जाता है। आज्ञा चक्र दो पंखुड़ियों से मिलकर बना है। इस चक्र पर जब साधक शुरू में ध्यान लगाते हैं तो उन्हें इसका रंग नीला दिखता है और निरंतर इस चक्र पर ध्यान लगाने पर इस चक्र के आसपास सुनहरा प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। इस चक्र पर अपार शक्तियां निवास करती है और यहीं पर मूलाधार से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी आकर मिल जाती है। जब प्राण ऊर्जा सुषुम्ना से इस चक्र पर ऊपर की ओर उठती है तो समाधि की अवस्था आ जाती है। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम। ध्यान सातवें चक्र की तरफ ले जाइए। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो 1000 पंखुड़ियों से मिलकर बना है। यह चक्र सिर के ऊपरी सतह पर है, जहां ब्राह्मण चोटी रखते हैं। इस चक्र पर केवल गुरु का
या परमात्मा का ध्यान किया जाता है। कहते हैं यह आत्मा का उच्च स्थान है, ईश्वर का धाम है। सहस्रार चक्र के जागृत होते ही आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। इसे मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। वैसे तो इस चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं है। जब हम इस पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हम ओम का जाप करते हैं। यह चक्र ध्यान लगाने पर बैंगनी रंग का दिखाई देता है। शरीर में मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक प्राण ऊर्जा को महसूस करें। अब अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लें और अपने गुरु और परमात्मा को धन्यवाद दें। दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।